देखो बच्चों, यहां पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, कि भाई ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ही मैथ्स के अंदर आने वाले मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट्स है जो फिजिक्स में भी बहुत यूज होंगे। तो बच्चों, ये डिफरेंशिएशन करना या तो इंटीग्रेशन करना, ये क्या चीज है? सबसे पहले हमें वो देखना है कि भाई ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, डिफरेंशिएशन का मीनिंग, मान लो कोई एक बड़ी चीज का आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन उसमें से आप छोटा पार्ट डिफरेंशिएट करके उसका स्टडी करोगे तो वो होगा डिफरेंशिएट करना। तो बच्चों होगा क्या, डिफरेंशिएशन मींस जब भी कोई आप छोटी चीज का स्टडी करोगे उसको डिफरेंशिएट करके, तो वो सभी प्रोसेस आएगी डिफरेंशिएशन के अंदर। और इंटीग्रेशन का मीनिंग इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना मीन्स सभी छोटे छोटे पार्ट को ज्वाइन करके बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन करना। तो बच्चों होगा क्या, ये दोनों ही प्रोसेस। डिफरेंशिएशन में क्या होगा बच्चों, कोई बड़ी चीज होगी उसमें से छोटी चीज का स्टडी करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहां पे छोटी छोटी चीजें होगी उसको एक साथ मिला के इंटीग्रेट करना है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वो दोनों ही एक तरह से देखे तो अपोजिट प्रोसेस है। डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना दोनों ही अपोजिट प्रोसेस है बच्चों। अब यहां पे डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो यहां ये पूरा एक रोड है, ये रोड पे कोई कार पास हो रही है, ये रोड पे कोई कार पास हो रही है मान लो। तो यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यहां ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है एक्स, टोटल डिस्टेंस है एक्स, और ए से लेके बी तक पहुंचने में टोटल जो टाइम लिया, टोटल टाइम वो लिया यहां पे टी। तो मान लो ये टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और ए से बी तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा वो है 2 आवर। तो यहां पे बच्चों आप देखोगे, जब भी आप यहां पे स्पीड फाइंड आउट करोगे यहां पे, तो आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको 100/2 मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर मिलेगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर मिलेगा बच्चों आपको। तो ये जो आपको मिले ना बच्चों, यहां पे जो स्पीड मिली वो एवरेज स्पीड है। सिंपल सी बात है, एवरेज, ए और बी के बीच की एवरेज स्पीड मिली। आप बोलोगे सर क्यों एवरेज? क्योंकि देखो यहां से जैसे ही आपकी कार चालू हुई तो पहले स्पीड स्लो थी, फिर स्पीड बड़ी 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 बड़ी, यहां पे स्पीड हो गई है 70 किलोमीटर पर आवर, फिर और बड़ी 100 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ा रास्ता खराब आया तो स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड बढ़ी 50 किलोमीटर आवर, फिर रास्ता खराब आया 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से स्पीड आपकी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, और मैं बी तक पहुंच गया। तो ए से बी के बीच में मैं कॉन्स्टेंट 50 की स्पीड से नहीं कार चला रहा हूं, यहां पे मेरी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है। तो होगा क्या बच्चों, मुझे ये जो स्पीड मिली वो एवरेज स्पीड मिली। क्या मिली? एवरेज स्पीड। तो ये जो एवरेज स्पीड होती है वो तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन मान लो आपको यहां पे ए और बी का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, उससे थोड़ा छोटा कर देना है। मान लो आपकी कार ये पी और क्यू पॉइंट के अंदर, ये दोनों लाइन के अंदर आपको स्पीड चाहिए, ये दोनों जो लाइन है उसके अंदर आपको स्पीड चाहिए। मैं पूरा स्टडी नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे से पार्ट का स्टडी कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, इतना सा रास्ता,
पी और क्यू इतना सा रास्ता मैंने ले लिया कि भाई मेरी कार यहां पे एंटर होगी और यहां से एग्जिट होगी, तो ये दोनों के बीच में भाई क्या स्पीड होगी, मुझे ये ढूंढना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पे ये छोटा सा डिस्टेंस है पी टू क्यू, ये जो लाइन है दोनों के बीच में छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा एक्स, स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम भी स्मॉल लगेगा डेल्टा टी, तो स्मॉल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉल टाइम। तो बच्चों यहां पे मुझे ये देखने को मिला कि भाई यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 5 सेकेंड, तो 10 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, तो यहां पे मुझे आंसर मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे आंसर मिलेगा मुझे 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मुझे कितनी स्पीड मिली पी और आर लाइन के बीच में, पी और क्यू लाइन के बीच में मुझे जो स्पीड मिली वो है 2 मीटर पर सेकेंड। देख लो बच्चों ये जो स्पीड मिली वो है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होगा, फिर आपने सोचा कि सर मुझे और एक्यूरेट स्पीड चाहिए और एग्जैक्ट, तो मैं काम करता हूं कि ये क्यू वाली जो लाइन है उसको थोड़ा और पास ले जाता हूं, क्यू वाली ये लाइन को और पास ले गया। तो बच्चों अब क्या होगा पता है आपको, ये दोनों लाइन नजदीक नजदीक आ गई है, अब इसके बीच में और एक्यूरेट स्पीड मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग स्पीड एट एनी इंस्टेंट, तो ये दो लाइन के बीच में और एक्यूरेट स्पीड मिलेगी। तो डेल्टा एक्स ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर, और यहां पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिया था तो यहां पे 2 सेकेंड लगा था, तो यहां से यहां तक जाने में थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो 2 सेकेंड, तो 6 मीटर बाय 2 सेकेंड, आंसर मिला 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों मैंने लाइन छोटी ली, यहां पे नजदीक ले ली, तो स्मॉल डिस्टेंस में, इतने स्मॉल डिस्टेंस में स्पीड चेंज हो गई, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा थी फिर स्पीड कम हो गई थी, यहां स्पीड ज्यादा थी फिर थोड़े दूर कम हो गई थी, इसलिए आपको कुछ अलग आंसर मिल रहा था। लेकिन मैं इसको और नजदीक ले गया तो मुझे और एक्यूरेट स्पीड मिली, मैंने छोटा सा पोर्शन कर दिया, फिर और मैं इसको नजदीक ले जाऊंगा और एक्यूरेसी के लिए, मैं और नजदीक ले जा रहा हूं, और नजदीक ले जाऊंगा यहां पे, तो होगा क्या बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मुझे मिला 5 मीटर पर 5 मीटर, और यहां पे जो टाइम मिला है बच्चों, यहां पे जो टाइम मिला वो मुझे मिला यहां पे 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड मिला। तो यहां पे देखो बच्चों 5 डिवाइड बाय 1.5, तो यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये 3 निकल जाएगा, यहां पे आंसर आपको क्या मिलेगा 5 डिवाइड बाय 1.5। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो बच्चों चेंज हो जाएगी और आपको आंसर मिलेगा यहां पे, करो इसको कैलकुलेट करो, 1 5 डिवाइड बाय 1.5 3.33 आंसर मिलेगा, 3.33 इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.33। तो यहां पे जो स्पीड मिली बच्चों वो मिली 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हुआ क्या, देखो यहां पे मैं और एक्यूरेसी करने गया तो स्पीड चेंज हो गई, फिर मुझे और एक्यूरेसी करनी है तो ये लाइन को बहुत नजदीक ले जाऊंगा, तो बच्चों और इसी तरह से यहां पे चेंज हो जाएगा आंसर, चेंज हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ही चेंज हो जाएंगे, तो आंसर चेंज हो जाएगा।
तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो लिमिट है यहां पे वो अप्लाई कर रहा हूं। क्योंकि यहां पे टाइम में आपने देखा होगा, पहले टाइम मान लो 10 सेकंड था, फिर टाइम 5 सेकंड लिया, फिर टाइम 3 सेकंड लिया, फिर ये जो टाइम है वो 1 सेकंड लिया, फिर ये टाइम 0.05 सेकंड, फिर ये टाइम 0.001 सेकंड, फिर ये टाइम 0.00005 सेकंड। तो यहां पे टाइम जैसे जैसे मैं स्मॉल करूंगा, टाइम जैसे छोटा करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढता जाऊंगा। इंस्टेंटेनियस मींस इतने से गैप में, ये जो गैप है इतना सा गैप, जब आपकी कार पी लाइन को क्रॉस करके 0.05 सेकंड में आगे बढ़ेगी, पी लाइन को क्रॉस की और टाइम आपने लिया है 0.05 सेकंड, तो 0.05 सेकंड में वो इतना ही आगे बढ़ेगी। तो इतना आगे बढ़ेगी तो ऊपर जो डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस आपको लिख देना है। पी से कार आगे बढ़ेगी 0.05 सेकंड में, 0.05 सेकंड में कार जितना आगे बढ़ेगी वो डिस्टेंस ऊपर लिख देना है, वो डिस्टेंस यहां पे लिख देना है आपको, जो भी डिस्टेंस आता है वो ऊपर लिख देना है, नीचे टाइम 0.05 सेकंड, और अगर एक्यूरेसी के साथ चाहिए तो 0.001 सेकंड लिखो। तो कार जैसे ही आगे बढ़ेगी, पी लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर किया होगा वो ऊपर लिख दो। तो बच्चों जैसे जैसे टाइम को आप जीरो के नजदीक लाओगे उतनी एक्यूरेट स्पीड मिलेगी। समझ में आ रहा है? जितना टाइम को कम करोगे, छोटा करोगे, उतनी एक्यूरेट स्पीड मिलेगी। तो हमें यहां पे क्या करना है, टाइम को छोटा बनाना है। तो टाइम को अगर छोटा बनाना है तो हमने सीख लिया था, हमें लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टाइम जीरो के बहुत नजदीक जाएगा, जितना हो सके उतना छोटा होता जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। टाइम जो है वो जीरो के नजदीक जा रहा है, टाइम छोटा होता जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम जितना हो रहा है उतना छोटा होता जाएगा, जीरो के नजदीक जाता जाएगा, जीरो नहीं होगा। और टाइम जितना छोटा होगा उतनी ही हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। कौन सी स्पीड मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जितना टाइम छोटा होगा उतनी इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। तो यहां पे जो v मिल रहा है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये पूरे बंच को हम क्या बोलेंगे, ये पूरा बंच जो आपको दिख रहा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको बोला जाता है dx अपॉन dt। ये जो dd है वो डिफरेंशिएशन में आने वाला सिंबल है, ये कट मत कर देना कभी भी। समझ में आ रहा है, ये dd कट कर दिया ऐसा नहीं है, ये सिंबल है। इसको कैसे रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से रीड कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। इसी तरह से मान लो कहीं इस तरह से लिखा है dA by dB, तो आप क्या रीड करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a, डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। अगर इस तरह से लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ c, डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू z, तो इसका मीनिंग क्या होगा, x में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे आप देखोगे x जो है वो डिपेंड करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये जो चीज है बच्चों यहां पे, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये पूरी चीज आप dx by dt के फॉर्म में लिख सकते हो, इतना सारा नहीं लिखना है तो शॉर्टकट में dx by dt लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, dx by dt का मीनिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग द स्पीड एट एनी इंस्टेंट,
कोई भी इंस्टेंट पे अगर स्पीड चाहिए तो वो ये होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसको शॉर्टकट में लिखा जाएगा डीएक्स बाय डीटी। तो डिफरेंशिएशन जब भी पढ़ेंगे उसका सिंबल ये होगा। ऊपर मान लो लिख दिया वाई, नीचे एक्स, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अब कहीं भी चैप्टर थ्री में, चैप्टर थ्री में आपको इस तरह का दिखाई दे डीएक्स बाई डी टी, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है, ये जो चीज है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रही है। तो अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इस तरह से लिखोगे। तो ये हमने जो पढ़ा है वो है डिफरेंशिएशन के बारे में। तो बच्चों यहां पे देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। मान लो टाइम में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। तो यहां पे टाइम टेंड्स टू जीरो हो रहा है, मींस यहां पे टाइम कम होता जा रहा है। तो टाइम जैसे जैसे आप छोटा लोगे वैसे ही ये इंस्टेंटेनियस चेंज मिलेगा। इंस्टेंटेनियस चेंज, मान लो चाय का कप हमने रखा है और तुरंत मैंने बोला चलो ये मैंने जैसे चुटकी बजाई, बताओ इसका टेम्परेचर कितना कम हुआ। अभी इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, चलो कितना कम हुआ। तो अभी 60 है, जैसे चुटकी बजाई कितना कम हुआ, तो 59.9 हो गया। चलो अगेन कितना कम हुआ, 59.7 हो गया। तो आप जैसे जैसे देखोगे, जैसे जैसे इंस्टेंट इंस्टेंट थोड़े ही टाइम में इसका टेम्परेचर जो डाउन होगा तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होने का रेट, टेम्परेचर कम होने का जो रेट मिला, टेम्परेचर डिक्रीज होने का रेट, उसको बोलेंगे डीटी बाय डीटी। तो बच्चों इस तरह से जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ्स में एक एक महीना चलने वाली ये प्रोसेस है। मैथ्स के लेक्चर में आप देखोगे वो एक एक महीना तक ये दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत ही लंबा है। मुझे तो क्या है, आपको इसकी हिंट देनी है कि भाई ये डिफरेंशिएशन क्या चीज है और इंटीग्रेशन क्या चीज है। उसी तरह से अगर मैं देखूं कि भाई इंटीग्रेशन क्या चीज है,
मैं आपको बताऊं कि भाई ये इंटीग्रेशन जो आपको दिख रहा है वो क्या है। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग, सभी छोटी छोटी चीज को इंटीग्रेट करो और बड़ी चीज बना दो। यहां पे क्या था, बड़े रास्ते का स्टडी नहीं करना है हमें, जितना हो सके उतना छोटा रास्ता लेके उसके ऊपर इंस्टेंटेनियस स्पीड मुझे ढूंढनी है। तो यहां पे बड़ी चीज दी होगी कोई, तो उसका साथ जितना हो सके उतना छोटा पोर्शन लेके आप उसका स्टडी करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, छोटी छोटी सभी चीज लेके बड़ी चीज बनाएंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन उसका सिंबल ये है, इस तरह से याद रखना, ये उसका सिंबल है। मान लो मैं यहां पे आपको बताऊं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो मैंने इस तरह से लिखा, इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। याद रखना, एक्स का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसको इस तरह से रीड किया जाता है। यहां पे जिसका इंटीग्रेशन होगा वो रखेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू जो होगा वो यहां पे रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इस तरह से ये रीड होता है। मान लो आपको मालूम है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मालूम है। तो मान लो आप कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बोतल पड़ी है रास्ते पे, वो बोतल को किक मारते मारते वो बोतल को आगे ले जा रहे हो, तो रास्ते में जो बोतल पड़ी है, बोतल को जितनी किक मारोगे तो आप उस पे फोर्स लगाओगे, वो बोतल पे फोर्स लगाओगे, और किक मारने से वो बोतल आगे जाएगी, डिस्प्लेस होगी। तो आपने बोतल को किक मारी, फोर्स लगाया, फिर बोतल आगे गई, डिस्प्लेस हुई। तो आपने क्या किया, पहली बार किक मारी, पहली बार किक मारी तो वो डेल्टा एक्स जितनी आगे बढ़ी, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, तो पहली बार आपने स्मॉल वर्क किया। फिर दूसरी बार किक मारी, अगेन दूसरी बार किक मारी, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, अगेन छोटा सा डिस्टेंस कवर हुआ और छोटा सा वर्क हुआ। फिर तीसरी बार किक मारी तो अगेन छोटा सा डिस्टेंस कवर हुआ और छोटा सा वर्क हुआ। तो बोतल को तीन बार किक मारी, पहली बार डेल्टा डब्ल्यू वन जितना छोटा सा वर्क हुआ, दूसरी बार डेल्टा डब्ल्यू टू जितना छोटा सा वर्क हुआ, तीसरी बार डेल्टा डब्ल्यू थ्री जितना छोटा सा वर्क हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, छोटा छोटा वर्क हुआ, बोतल को किक मारते गए, छोटा छोटा वर्क हुआ, बोतल आगे बढ़ती गई। तो मुझे टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क मुझे टोटल वर्क चाहिए। तो सभी जो आपने फोर्स अप्लाई किए उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, आपने जितने भी फोर्स अप्लाई किए उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क, छोटे छोटे सभी वर्क का टोटल, छोटे छोटे डेल्टा डब्ल्यू वन, डेल्टा डब्ल्यू टू, डेल्टा डब्ल्यू थ्री, जितने भी वर्क हो गए सभी का टोटल, उसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो चीज है वो हमें इंटीग्रेशन दिखाती है बच्चों। इंटीग्रेशन का मीनिंग और कुछ नहीं, सभी को इंटीग्रेट करना, सभी को कंबाइन करना, सभी को ज्वाइन करना। तो ये आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसमें मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। समझ में आ रहा है, यहां पे टोटल वर्क कैसे होगा, तो आप तुरंत करोगे सर ये माथाकुट करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट टोटल कर दो, डेल्टा डब्ल्यू वन प्लस डेल्टा डब्ल्यू टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू थ्री, आंसर मिल जाएगा। सही बात है, लेकिन मान लो ये आपने किक मारी अहमदाबाद से बड़ौदा तक, आप अहमदाबाद से बड़ौदा तक चलते गए, बोतल को किक मारते मारते अहमदाबाद टू बड़ौदा ले गए, तो सोचो कितना बड़ा टोटल होगा, 100 किलोमीटर आप किक मारते हुए गए तो
तो ये टोटल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर इस तरह से टोटल करोगे तो जब इतना बड़ा डिस्टेंस कवर हुआ तो यहां अहमदाबाद का किलोमीटर बड़ौदा का किलोमीटर लिख के यहां पे लोअर लिमिट अहमदाबाद कहां पे गए, बड़ौदा पे गए, तो ये मैंने उसको ए टू बी लिमिट दे दी, ए टू बी लिमिट दे दी। और उसके बीच में मैंने क्या किया है, जितना वर्क किया उसका तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों अभी ये आपको थोड़ा इतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये एक एक महीने चलने वाले चैप्टर है, लेकिन इसके सेकेंड लेक्चर में डेम श्योर आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब इसका सेकेंड लेक्चर में कर लूंगा तब इसका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर थर्ड लेक्चर भी इसका आएगा, फोर्थ लेक्चर भी इसका आएगा।